राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद। पहले हमारे सभी शिक्षक जिंदाबाद, तब शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जिंदाबाद। हो गए, बगल में बहुत हल्ला आप लोग करते। हाँ, पोता को भी। हमारे इनकलाबी दोस्तों, आपके जज्बे को हम सलाम करने आए हैं और 2 बजे इस सभा का हम समापन भी करेंगे, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद फिर 2 बजे अपराह्न से प्रारंभ होने का उसका बना हुआ है। और आप सभी के सभी आकस्मिक अवकाश पर आए हैं, यह कान खोल करके शिक्षा विभाग के बड़े दबंग पदाधिकारी जान लें, हम लोग कोई अनुशासनहीन नहीं है, हम ही अनुशासन पढ़ाते हैं, हम ही अनुशासन सिखाते हैं, हमसे सीखिए। दोस्तों, 1 मई के प्रतिरोध से आज तक जो आपने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और 2 प्राथमिक संगठन के संयुक्त आंदोलन में जो आपने अपनी अद्भुत एकता का परिचय दिया है, इसके लिए हम आप तमाम इनकलाबी दोस्तों को फिर एक बार सलाम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों, लोगों को यह विश्वास ही नहीं था कि धरना प्रदर्शन और भीतहरवा महात्मा गांधी के पास क्यों जा रहा है, ये बूढ़ा नेतृत्व हो गया है, 80 पार कर गया है, इससे कुछ नहीं होगा, सीधे चलो ताला बंद कर दो। दोस्तों, ताला बंद हम करवाएंगे, लेकिन कल से नहीं। अभी आपने देखा विधान परिषद के माननीय सदस्यों और विधायक दल के जो हमारे नेतृत्वकारी साथी हैं विधानसभा, कैसे माननीय मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी, यह आपकी ताकत का कमाल है। इसलिए आप जल्दीबाजी में ऐसी कोई बात मत बोलने का अभ्यास कीजिए। हमने तो घोषणा की है, जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं देगी सरकार, हमारा आंदोलन 2025 तक जाएगा, 2025 तक जाएगा। या तो तुम 24 के पहले घोषणा करो, नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम 4.5 लाख नहीं हैं, हमारे बाल बच्चे आश्रित माता पिता, हम 30 लाख की फौज, ये ताकत है, चुनावी ताकत हमारी है, ये हम आपको माफ करने वाले नहीं हैं। आज सवेरे से ही दहशत फैला दिया, जमाल रोड में फोन आने लगा कि सर जाने क्या हुआ, 2 पटना जिले के नेता, एक अनुमंडल सचिव और 1 साथी को घर पर जाकर के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ए बीच में कौन नारा लगाते हैं, ए नारा बंद कीजिए, ए अरे हाथ उठाना बंद कीजिए, इधर सुनिए। फिर खबर आई कि आनंद कौशल जी ने खुद मुझे फोन किया कि सर हमको थाना अध्यक्ष बुला रहा है। कहा ये थाना अध्यक्ष को पता है कि सरकार ने लिखित अनुमति दी है हमको, हमारे पॉकेट में है, जाकर के बताओ थाना को ये अनुमति शत्रुघ्न प्रसाद सिंह महासचिव को दी गई है,
आज शांति पूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति है, ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति है, इसीलिए हिम्मत है तो आबे जमालुर हमको गिरफ्तार करे, हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार करे, उसको हम आटे दाल का भाव मालूम करवा दें। और तुरंत हमने प्रोफेसर संजय तिरुप शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को फोन किया कि वो डीएम को पूछिए कि पहले मुजफ्फरपुर में थे चंद्रशेखर बाबू, आपने उन्हें कहा था कि अनुमति नहीं दे रहा है, तो अनुमति मिल गई, क्या अनुमति हमारी रद्द हो गई? डीएम ने कहा नहीं, जिला नियंत्रण कक्ष ने कहा अनुमति आपकी है, 2 बजे तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति है, कोई रोक नहीं है। फिर किसने यह गिरफ्तारी कर ली उसकी जांच अभी कॉमरेड अजय कुमार गए हैं, दोनों एमएलसी तीनों गए हैं, और मैं खुद जाकर के अभी जा रहा हूं विधान परिषद विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जिन लोगों ने बस रोक दी है और हमारे जिन नेताओं को गिरफ्तार किया है उसको स्वसम्मान रिहा करो, और जिसने बेकसूर नेता को गिरफ्तार किया उस पर कानूनी कार्रवाई करो, उसको मुअत्तल करो, मुअत्तल करो। इसलिए आप आश्वस्त होकर के जाइए, आप कोई डर भय नहीं रखिए कि निरीक्षण होता है तो हमारी कोई गर्दन नहीं काटेगा। मैंने 15 बिंदु कल अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिख दिया कि आप ऐप से हाजिर लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं, प्रत्येक शिक्षक को आप स्मार्टफोन मुहैया कीजिए, प्रत्येक शिक्षक। हाँ, हम पहले नोकिया का छोटा रखते थे मोबाइल, अब उससे 80 साल की उम्र में चमड़िए में घाव होने लगा, तो बाल बच्चा ने कहा बाबा ये ले लीजिए इसमें फोटो आता है, अब उसको देखने लगे तो और एलर्जी हो गई। हम केवल ऑफ और ऑन करते हैं, बाकी हमको क्या क्या खेल रहा है कुछ नहीं आज तक बुझाता है, सेव करने भी नहीं आता कि कैसे आपका नंबर हम सेव कर लें। तो हमने माननीय पाठक जी को लिख दिया कि नेट की व्यवस्था और सब शिक्षक को ऐप, और आपने निरीक्षक का है फोटो लेते, उन्हें घसे के नहीं जा, तो पिट्ठी का फोटो लेते, हमारा मुंह के लेते फोटो। इसलिए आप जैसे होता था पहले डिप्टी इंस्पेक्टर, आप लोग तो नए लोग हैं, हम लोग पुराने, डिप्टी साहब आ गए स्कूल, डिप्टी साहब आ गए और झाड़ू से बुहार रहा है, एकदम चंदन टीका लगा रहे हैं मास्टर साहब। फिर इंस्पेक्टर होता था प्रमंडल के आधार पर, राम नरेश राय थे प्रमंडल भर के निरीक्षक, अब तो हो गया DPO। क्या है DPO? गजब है, इसमें कहां निरीक्षण लिखा हुआ है? पहले जिला शिक्षा अधीक्षक का पद था, विद्यालय निरीक्षिका का पद था, बालिका विद्यालय के लिए हमने लिखा निरीक्षक का पद सृजित करो, नहीं तो आने नहीं देंगे, किरानी चपरासी जाएगा हमारी हाजिरी नोट करने के लिए, ये अपमानजनक है, यह हम होने नहीं देंगे। इसलिए हमने कह दिया 15 बिंदु तमाम रिक्तियों को भरिए और विषय विशेषज्ञ का पैनल बनाइए जो हमारे वर्ग के अध्यापन को देखे। के पाठक खुद गए बख्तियारपुर, आई दाढ़ी वाला जो मंच पर देखते हैं ये गौतम महात्मा, यह डेमोक्रेसी पढ़ा रहा था, पाठक जी इनके वर्ग में बैठ गए, हमारी छाती तो धक धक, दरियल को देखेगा तो दाढ़ी देख के सस्पेंड कर देगा, आई गमछी भी ओढ़ता है, ये होशियार था, गमछी को ऐसे बांध लिया और पढ़ाया तो पाठक जी प्रसन्न हो गए, इसकी पीठ ठोक दी। हमने कहा पाठक जी एक से एक काबिल शिक्षक है हमारा, आप बैठिए वर्ग में, आपको भी पढ़ा देगा। इसलिए
निरीक्षण हो लेकिन दंडात्मक नहीं हो, आप हमारे शिक्षकों को पुरस्कृत भी कीजिए, ये सुधार आप कीजिए, स्वागत करेंगे। लेकिन यदि छापा मार दस्ता बनाइएगा तो हम भी आपके दफ्तर में छापा मार दस्ता भेजेंगे। कहाँ कहाँ आपका डीपीओ अड्डियो घूस लेता है, कहाँ माल मारता है, ये भी हम आपको बता दें। इसलिए खबरदार। और अपने शिक्षक दोस्तों आते हैं, मास्टर साहब हमको विपिन बरहिया से फोन किया कि दादा एगो लेखा लिपि का रहा है। हम कहा कोई बात नहीं, बरहिया का तो रसगुल्ला नाम ही है विपिन, बैठाओ उसको रसगुल्ला खिलाओ। आ कहो जी क्या है, जब बताओ हमारी पढ़ाई देखोगे। जी नहीं हुजूर, हे कागज भर दीजिए, हम इधर से बरहिया से लेके रामोतार स्कूल तक चले जाएंगे, पब्लिक सुजगरा तक। इसमें हर्जा क्या है भाई, किरानी बहुत। लेकिन आप इस तरह से नकारात्मक निरीक्षण करेंगे तो खबरदार, हम स्वागत करेंगे। आइए, और जो हमारा भवन नहीं बना है, जहाँ शिक्षक नहीं है, उत्क्रमित में नव नियुक्त प्रधान अध्यापक गए, यही बिहार लोक सेवा आयोग से, बाप रे बड़का हकी, मोच पर घी लगा के हेडमास्टर साहब गए, अभी तक दरमे ही नहीं मिल रहा। अब बताइए, अब कहीं दो गो मास्टर साहब हैं, कहीं तीन गो हैं, उसमें जनाना मर्दाना सब मास्टर हेडमास्टर नहीं बन गए चला गए। अब सुनते हैं जो प्लस टू वाले हमारे शिक्षक, हमारी प्रार्थना हमारी अपील के बावजूद बहुत मास्टर साहब प्लस टू वाले फॉर्म भर दिए हैं। बड़ी दुर्गति होगी भाइयों बहनों, मिला हुआ दरमाहा भी घट जाएगा भाइयों और बहनों, प्रोन्नति नहीं मिलेगी भाइयों और बहनों। प्लस टू में बड़ा भारी हाकिम, आप हमारी अपील पर ध्यान दीजिए। जब तक सांस में सांस है, मैं अंतिम सांस तभी छोड़ूंगा जब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, जब राजकर्मी का दर्जा मिले। इसीलिए निश्चित कीजिए, निश्चिंत रहिए। आप बिहार हमारे आह्वान को इस तरह से आप मजाक मत कीजिए। आज तक जो हमने कहा था, सभी खानगी विद्यालयों का सरकारीकरण करो, एकमात्र है मांग हमारी हाई स्कूल करो सर बिना परीक्षा। और लालू जी ने जो शिक्षा मित्र बनाया 1500 में, माननीय नीतीश बाबू आप ही ने तो शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक बना दिया, आज वो 42,000 पा रहा है शिक्षा मित्र, कोई परीक्षा नहीं। हमने तो दक्षता परीक्षा भी दे दी है, तो जो दक्षता परीक्षा दे दी है बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा में क्यों बैठेगा। हाँ, अब परीक्षा लीजिए, विभागीय परीक्षा लीजिए, हमारी सभी वेतन वृद्धि दे दीजिए, वेतन विसंगता दूर कर दीजिए, हम महीने महीने इम्तहान देंगे, महीने महीने देंगे, हमारा दरमहा बढ़ा दीजिए, ये कोई बात है। इसलिए हम इम्तहान नहीं देंगे। जो फिर सोच रहे हैं 15 तारीख तक बढ़ गया, क्या हुआ भाई, अतएव होता है क्या, सर्वर डाउन हो गया। साला ये सर्वर क्या है, कभी कभी बैंक में सुनते हैं काहे ने दरमहा मिला, तो सर सर्वर डाउन हो गया। अरे वैसा गड़बड़ सर्वर तुम रखता क्यों है जो सर्वर डाउन हो गया। अच्छा 6,00,000 से तुम इम्तिहान ले रहे हो, जगह तुम्हारे पास है 1,70,000, तो ये जो हमारा धरफड़ा रहा है प्लस टू वाला और कुछ सेकेंडरी वाला भी 16, 17, 19 में जो बहाल किया, सरकारी हो जाएंगे, तबादला हो जाएगा। हमारी बेटियां और धरफड़ कर रही हैं कि हम नैहर चले जाएंगे, बपहर चले जाएंगे, तबादला हो जाएगा। बहनों बहनों बेटियों धन्यवाद, आ गई है तो नहीं है फॉर्म मत भरिए फॉर्म, दरमहा रुकेगा घर
शिक्षक एकता जिंदाबाद। पहले हमारे सभी शिक्षक जिंदाबाद, तब शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जिंदाबाद। बगल में बहुत हल्ला आप लोग करते हैं। होता को भी हमारे इनकलाबी दोस्तों, आपके जज्बे को हम सलाम करने आए हैं और 2 बजे इस सभा का हम समापन भी करेंगे, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद फिर 2 बजे अपराह्न से प्रारंभ होने का उसका बना हुआ है। और आप सभी के सभी आकस्मिक अवकाश पर आए हैं, यह कान खोल करके शिक्षा विभाग के बड़े दबंग पदाधिकारी जान लें, हम लोग कोई अनुशासनहीन नहीं है, हम ही अनुशासन पढ़ाते हैं, हम ही अनुशासन सिखाते हैं, हमसे सीखिए। दोस्तों, 1 मई के प्रतिरोध से आज तक जो आपने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और 2 प्राथमिक संगठन के संयुक्त आंदोलन में जो आपने अपनी अद्भुत एकता का परिचय दिया है, इसके लिए हम आप तमाम इनकलाबी दोस्तों को फिर एक बार सलाम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों, लोगों को यह विश्वास ही नहीं था कि धरना प्रदर्शन और भितहरवा महात्मा गांधी के पास क्यों जा रहा है, ये बूढ़ा नेतृत्व हो गया है, 80 पार कर गया है, इससे कुछ नहीं होगा, सीधे चलो ताला बंद कर दो। दोस्तों, ताला बंद हम करवाएंगे, लेकिन कल से नहीं। अभी आपने देखा विधान परिषद के माननीय सदस्यों और विधायक दल के जो हमारे नेतृत्वकारी साथी हैं विधानसभा, कैसे माननीय मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी, यह आपकी ताकत का कमाल है। इसलिए आप जल्दीबाजी में ऐसी कोई बात मत बोलने का अभ्यास कीजिए। हमने तो घोषणा की है, जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं देगी सरकार, हमारा आंदोलन 2025 तक जाएगा, 2025 तक जाएगा। या तो तुम 24 के पहले घोषणा करो, नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम 4.5 लाख नहीं हैं, हमारे बाल बच्चे आश्रित माता पिता, हम 30 लाख की फौज, ये ताकत है, चुनावी ताकत हमारी है, को माफ करने वाले नहीं हैं। आज सवेरे से ही दहशत फैला दिया, जमाल रोड में पुनाने लगा कि सर जाने क्या हुआ, 2 पटना जिले के नेता, एक अनुमंडल सचिव और एक साथी को घर पर जाकर के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ए बीच में कौन नारा लगाते हैं, एक नारा बंद कीजिए, एक अरे हाथ उठाना बंद कीजिए, इधर सुनिए। फिर खबर आई कि आनंद कौशल जी ने खुद मुझे फोन किया कि सर हमको थाना अध्यक्ष बुला रहा है। कहा ये थाना अध्यक्ष को पता है कि सरकार ने लिखित अनुमति दी है, हमको हमारे पॉकेट में है, जाकर के बताओ थाना को ये अनुमति शत्रुघ्न प्रसाद सिंह महासचिव को दी गई है, आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति है, ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति है, इसीलिए हिम्मत है
तो आबे जमाल नूर हमको गिरफ्तार करे, हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार करे, उसको हम आटे दाल का भाव मालूम करवा दें। और तुरंत हमने प्रोफेसर संजय तिरुप शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को फोन किया कि वो डीएम को पूछिए कि पहले मुजफ्फरपुर में थे चंद्रशेखर बाबू, आपने उन्हें कहा था कि अनुमति नहीं दे रहा है, तो अनुमति मिल गई, क्या अनुमति हमारी रद्द हो गई? डीएम ने कहा नहीं। जिला नियंत्रण कक्ष ने कहा अनुमति आपकी है 2 बजे तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति है, कोई रोक नहीं है। फिर किसने यह गिरफ्तारी कर ली उसकी जांच अभी कॉमरेड अजय कुमार गए हैं, दोनों एमएलसी तीनों गए हैं, और मैं खुद जाकर के अभी जा रहा हूं विधान परिषद विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जिन लोगों ने बस रोक दी है और हमारे जिन नेताओं को गिरफ्तार किया है उसको स्वसम्मान रिहा करो, और जिसने बेकसूर नेता को गिरफ्तार किया उस पर कानूनी कार्रवाई करो, उसको मुअत्तल करो, मुअत्तल करो। इसलिए आप आश्वस्त होकर के जाइए, आप कोई डर भय नहीं रखिए कि निरीक्षण होता है तो हमारी कोई गर्दन नहीं काटेगा। मैंने 15 बिंदु कल अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिख दिया कि आप ऐप से हाजिर लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं, प्रत्येक शिक्षक को आप स्मार्टफोन मुहैया कीजिए, प्रत्येक शिक्षक। हाँ, हम पहले नोकिया का छोटा रखते थे मोबाइल, अब उससे 80 साल की उम्र में चमड़िए में घाव होने लगा, तो बाल बच्चा ने कहा बाबा ये ले लीजिए इसमें फोटो आता है, अब उसको देखने लगे तो और एलर्जी हो गई। हम केवल ऑफ और ऑन करते हैं, बाकी हमको क्या क्या खेल रहा है कुछ नहीं आज तक बुझाता है, सेव करने भी नहीं आता कि कैसे आपका नंबर हम सेव कर ले। तो हमने माननीय पाठक जी को लिख दिया कि नेट की व्यवस्था और सब शिक्षक को ऐप, और आपने निरीक्षक का है फोटो लेते, उन्हें घसे के नहीं जा, तो पिट्ठी के फोटो लेते, हमारा मुंह के लेते फोटो। इसलिए आप जैसे होता था पहले डिप्टी इंस्पेक्टर, आप लोग तो नए लोग हैं, हम लोग पुराने डिप्टी साहब आ गए स्कूल, डिप्टी साहब आ गए झाड़ू से बुहार रहा है, एकदम चंदन टीका लगा रहे हैं मास्टर साहब। फिर इंस्पेक्टर होता था प्रमंडल के आधार पर, राम नरेश राय थे प्रमंडल भर के निरीक्षक, अब तो हो गया DPO। क्या है DPO? गजब है, इसमें कहां निरीक्षण लिखा हुआ है? पहले जिला शिक्षा अधीक्षक का पद था, विद्यालय निरीक्षिका का पद था, बालिका विद्यालय के लिए हमने लिखा निरीक्षक का पद सृजित करो नहीं तो आने नहीं देंगे, किरानी चपरासी जाएगा हमारी हाजिरी नोट करने के लिए, ये अपमानजनक है, ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए हमने कहा दिया 15 बिंदु तमाम रिक्तियों को भरिए और विषय विशेषज्ञ का पैनल बनाइए जो हमारे वर्ग के अध्यापन को देखे। के पाठक खुद गए बख्तियारपुर, आई दाढ़ी वाला जो मंच पर देखते हैं ये गौतम महात्मा, ये डेमोक्रेसी पढ़ा रहा था, पाठक जी इनके वर्ग में बैठ गए, हमारी छाती तो धक धक, ये दरियल को देखेगा तो दाढ़ी देख के सस्पेंड कर देगा, आई गमछी भी ओढ़ता है, ये होशियार था गमछी को ऐसे बांध लिया, और पढ़ाया तो पाठक जी प्रसन्न हो गए, इसकी पीठ ठोक दी। हमने कहा पाठक जी एक से एक काबिल शिक्षक है हमारा, आप बैठिए वर्ग में, आपको भी पढ़ा देगा। इसलिए निरीक्षण हो लेकिन दंडात्मक नहीं हो, आप हमारे शिक्षकों को पुरस्कृत भी कीजिए,
ये सुधार आप कीजिए, स्वागत करेंगे, लेकिन यदि छापा मार दस्ता बनाइएगा तो हम भी आपके दफ्तर में छापा मार दस्ता भेजेंगे। कहाँ कहाँ आपका डीपीओ अड्डियो घूस लेता है, कहाँ माल मारता है, ये भी हम आपको बता दें। इसलिए खबरदार, और अपने शिक्षक दोस्तों आते हैं, उमा सर साहब हमको विपिन बरहिया से फोन किया कि दादा एगो लेखा लिपिक आ रहा है। हम कहा कोई बात नहीं, बरहिया का तो रसगुल्ला नाम ही है विपिन, बैठाओ उसको रसगुल्ला खिलाओ। आ कहो जी क्या है जब बताओ, हमारी पढ़ाई देखोगे? जी नहीं हुजूर, हे कागज भर दीजिए, हम इधर से बरहिया से लेके रामोतार स्कूल तक चले जाएंगे, पब्लिक स्कूल गढ़ा तक। इसमें हर्जा क्या है भाई किरानी बाबू? लेकिन आप इस तरह से नकारात्मक निरीक्षण करेंगे तो खबरदार, हम स्वागत करेंगे, आइए। और जो हमारा भवन नहीं बना है, जहाँ शिक्षक नहीं है, उत्क्रमित में नवनियुक्त प्रधानाध्यापक गए, यही बिहार लोक सेवा आयोग से, बाप रे बड़का हकीम, मोछ पर घी लगा के हेडमास्टर साहब गए, अभी तक दरमा ही नहीं मिल रहा। अब बताइए, अब कहीं दो गो मास्टर साहब हैं, कहीं तीन गो हैं, उसमें जनाना मर्दाना सब मास्टर हेडमास्टर नहीं भर के चला गए। अब सुनते हैं जो प्लस टू वाले हमारे शिक्षक, हमारी प्रार्थना हमारी अपील के बावजूद बहुत मास्टर साहब प्लस टू वाले फॉर्म भर दिए हैं। बड़ी दुर्गति होगी भाइयों बहनों, मिला हुआ दरमाहा भी घट जाएगा भाइयों और बहनों, प्रोन्नति नहीं मिलेगी भाइयों और बहनों। प्लस टू में बड़ा भारी हाकिम, आप हमारी अपील पर ध्यान दीजिए, जब तक सांस में सांस है मैं अंतिम सांस तभी छोड़ूंगा जब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, जब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसीलिए निश्चित कीजिए, निश्चिंत रहिए, आप बिहार हमारे आह्वान को इस तरह से आप मजाक मत कीजिए। आज तक जो हमने कहा था, सभी खानगी विद्यालयों का सरकारीकरण करो, एकमात्र है मांग हमारी हाई स्कूल करो सर बिना परीक्षा। और लालू जी ने जो शिक्षा मित्र बनाया 1500 में, माननीय नीतीश बाबू आप ही ने तो शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक बना दिया, आज वो 42,000 पा रहा है शिक्षा मित्र, कोई परीक्षा नहीं। हमने तो दक्षता परीक्षा भी दे दी है, तो जो दक्षता परीक्षा दे दी है बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा में क्यों बैठेगा? हाँ आप परीक्षा लीजिए, विभागीय परीक्षा लीजिए, हमारी सभी वेतन वृद्धि दे दीजिए, वेतन विसंगता दूर कर दीजिए, हम महीने महीने इम्तहान देंगे, महीने महीने देंगे, हमारा दरमहा बढ़ा दीजिए, ये कोई बात है? इसलिए हम इम्तहान नहीं देंगे। जो फिर सोच रहे हैं 15 तारीख तक बढ़ गया, क्या हुआ भाई? अतएव होता है क्या, सर्वर डाउन हो गया। साला ये सर्वर क्या है? कभी कभी बैंक में सुनते हैं ये काहे ने दरमहा मिला, तो सर सर्वर डाउन हो गया। अरे वैसा गड़बड़ सर्वर तू रखता क्यों है जो सर्वर डाउन हो गया? अच्छा 6,00,000 से तुम इम्तिहान ले रहे हो, आज जगह तुम्हारे पास है 1,70,000, तो ये जो हमारा धरफड़ा रहा है प्लस टू वाला और कुछ सेकेंडरी वाला भी 16, 17, 19 में जो बहाल किया, सरकारी हो जाएंगे, तबादला हो जाएगा। हमारी बेटियां और धरपड़ कर रही हैं कि हम नैहर चले जाएंगे, बपहर चले जाएंगे, तबादला हो जाएगा। बहनों बहनों बेटियों धन्यवाद, आ गई है तो नहीं है फॉर्म मत भरिए फॉर्म, दरमहा रुकेगा घर हाई स्कूल करो सर। अरे वैसा गड़बड़ सर्वर तुम रखता क्यों है जो सर्वर डाउन हो गया?
अच्छा 6 लाख से तुम इम्तिहान ले रहे हो, जगह तुम्हारे पास है 1,70,000। तो ये जो हमारा धरफरा रहा है प्लस टू वाला, कुछ सेकेंड